वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस, आप सभी के सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। हम लेके आए हैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब की वीडियो, वो भी डॉक्टर इसरार अहमद अहमद जी की। की तो बहुत इनकी परफेक्ट बातें होती हैं, बहुत ही परफेक्ट ये चीज़ यस बताते हैं, चाहे प्रेडिक्शन के मामले में हो, चाहे मतलब ये बुक्स पढ़ के बताते हैं, और इनका अपना खुद का अंदाज़ा भी बहुत सही होता है। तो हम सभी ने सुना है कि प्रोफेट मोहम्मद मिराज पे गए थे, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है कि डिड प्रोफेट मोहम्मद सी गोट, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ जाके उन्होंने देखा था सब कुछ, जन्नत वगैरह ओ कैसे माय होती है, गॉड, जहन्नम कैसे होती है, बट हमने ये जिक्र नहीं सुना था कि वहाँ जाके उन्होंने खुदा को देखा था या नहीं देखा था। तो इसमें ये बात ये बताएंगे डॉक्टर इसरार अहमद, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप सभी का यस भी क्लियर हो जाएगा इससे, और हम भी आपके साथ साथ देखते हैं। तो इसको जी प्ले करते हैं इकट्ठे, देखते हैं सारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और फिर देखते हैं कि क्या बातें हैं, क्या चीज है, सही में देखा यस था, क्या देखा था, क्या बात हुई थी। तो इसको देखते हैं। सो करेबले जी अलबत्ता ये कि हजरत जिब्राइल को उनकी असल मलक की शक्ल में हुजूर ने अपनी इन आंखों से दो मरतबा देखा है। एक मरतबा बिल्कुल ओ, आगाज में, दो बार जबकि हजरत जिब्राइल जो हैं ऐसे जाहिर हुए, हुजूर उतर रहे थे गारे हिरा से, जबले नूर से, तो आपको आवाज आई या मोहम्मद। ये पहली वही के बाद जो फतरत हुई है, कुछ अरसे के लिए वही रुकी रही, उस वक्त वाकया पेश आया। आपने सामने देखा, पीछे देखा, कोई नहीं, नजर कोई नहीं आया। फिर थोड़ी देर आप चले गए, शायद मुझे कोई धोखा लगा है, ऐसे ही मैंने सुना है, कोई आवाज नहीं थी। फिर आया हाँ या मोहम्मद, फिर देखा दो तीन मरतबा, कोई नजर नहीं आया, कुछ खौफ सा महसूस हुआ। तीसरी मरतबा या मोहम्मद, तो अचानक हुजूर की निगाह ऊपर उठी, तो हजरत जिब्राइल फरिश्ते की जो असल शक्ल है उसमें वो थे उफक पर, और पूरा उफक भरा हुआ था। तो असल मलक की सूरत में हजरत जिब्राइल को हुजूर ने उस वक्त देखा, और एक देखा है फिर इंद सिदरतिल मुंतहा, शबे मेराज में, जब साथ आए हैं ले जाने के लिए इंसानी शक्ल में थे, वो ओ सवारी भी ऐसी थी जिसको कि बुराक कहा जाता है, वो भी महसूस शय थी। लेकिन ये कि जहां उन्होंने कहा सातवें आसमान पे जाकर कि बस अब आगे मेरी गुंजा, अब आगे आपको अकेले जाना है, इससे आगे अगर मैं गुजरा मेरे पर जल जाएंगे, बे सोजे तजल्ला बे सोजत परम, अगर यक्सरे मुए बरतर परम, अगर मैंने अब इससे आगे एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे, तब आगे आपका काम। उस वक्त भी वो उनकी असल शक्ल में जाहिर हुई हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। मा वल्ला साहिबकुम व मा गवा, तुम्हारे ये साथी है लोगो, ये मोहम्मद ना बहके हैं और ना बेराह हुए हैं, ना भटके हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, और ये जो कुछ कह रहे हैं अपने जी से नहीं कह रहे, ख्वाहिश नफ्स से नहीं कह रहे, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, नहीं है ये मगर वही जो उनकी तरफ की जा रही है। अल्लमहू शदीदुल कुवा, उन्हें तालीम दी है, सिखाया है उसने जो बहुत ताकतवर वाला है। यहाँ हजरत जिब्राइल हैं जो मुराद हैं। अल्लामहू शदीदुल कुवा, ये कुरान किसने सिखाया मोहम्मद को? शदीदुल कुवा जू मिर्रतिन, वो बड़ा जोरावर है। फस्तवा, वो सीधा हुआ। वह हुआ बिल उफुकिल आला, और उफक आला के ऊपर वो मोहम्मद को नजर आ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर जरा नीचे को लटका, करीब आया। फकान काब कौसैन औ अदना, और फिर वो इतने करीब आ गया कि जैसे दो कमानों का फासला हो या उससे भी करीब। फाउहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उसने वही की अल्लाह के बंदे की तरफ जो वही की। वो वही कौन सी थी? वो है असल में वही रिसालत, वही नबुवत जो थी वो तो शुरू में आ चुकी, उसके बाद ये फतरत हो गई थी, कुछ वक्फा पड़ गया। शुरू में वही जिससे कि हुजूर की नबुवत का जहूर हुआ है, वो तो है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अक्रम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। लेकिन अब ये सूरह मुद्दस्सिर की आयात उस वक्त नाज़िल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जब हुजूर घर आ गए और फिर आपने अपनी अहलिया से कहा, खौफज़दा थे जो भी मंजर देखा था, मलक की शक्ल, फरिश्ते की शक्ल, अब वो तो हुजूर ही ने देखा जो देखा, हम तो नहीं समझ सकते कि आपने क्या देखा। लेकिन यह कि उसके बाद आप आए, आपने कहा मुझे कम्बल उड़ा दो, लिहाफ उड़ा दो, लिहाफ उड़ कर आप लेट गए, तो फिर वो वही, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानज़िर व रब्बक फकब्बिर, ए लिहाफ बलि पढ़ कर लेटने वाले खड़े हो जाओ और खबरदार करना शुरू कर दो लोगों को। और तुम्हारी इस दावत का नुकता आगाज तो इंतजार है, और इसका हदफ दुनिया में तकबीर रब है, रब को बड़ा करो, उसकी बड़ाई मनवाओ, उसकी बड़ाई नाफिज करो।
उसका नक्शा खींचा गया है। अल्लामहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब क़ौसैन औ अदना फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदु मा रा। जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिलो दिमाग ने उसे झुटलाया नहीं, यानी कहा कि नहीं ये क्या है। देखिए ऐसा होता है कोई गैर मामूली सी बात आप देखें तो एक शख्स हो जाता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत देख रहा हूँ। बेदारी तो यारम या बे ख्वाब, अल्लाह जो मैं देख रहा हूँ या हम देख रहे हैं ये बेदारी में देख रहे हैं, ये ख्वाब में देख रहे हैं, तो गैर मुतवक्के चीज। लेकिन नबी को कोई शक नहीं हुआ, मा कज़ब अल फुआद मारा, यकसुई के साथ दिलो दिमाग और जो भी आपकी आंख देख रही थी उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। मा कज़ब अल फुआद मारा फतुमारूनहु अला मा यरा, तो क्या तुम उससे झगड़ते हो उस चीज पर कि जिसे वो देख रहा है। इकबाल ने कहा ना कि कलंदर हरते गोयद दीद गोयद, जो शख्स अपना देखी हुई चीज बयान कर रहा है तुम उससे झगड़ रहे हो, तुम्हारे लिए तो वो एक गैब की खबर है, उसने तो देखा है। अफ तुमारू न हो अलामा यरा वलकद राहु नज़लतन उखरा, उसने तो एक मरतबा और भी देखा, कहां देखा, इंद सिदरतिल मुंतहा, शबे मेराज में सिदरतुल मुंतहा, कोई बेरी का दरख्त है, वो कैसी बेरी है, सातवीं आसमान की बेरी, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। इस सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा निहायत हद, जहां की हद हो गई वहां तक हुजूर पहुंचे हैं, सिदरतुल मुंतहा तक। इंदहा जन्नतुल मावा, और सबसे ऊंची जो जन्नत होगी जन्नतुल मावा वो उसके करीब ही है, वो भी सातवीं आसमान पर है। ये तो दर्जा बदर्जा तरक्की होती जाएगी ना, पहली ज़ियाफ़त जो है पहली नुज़ुल जो है वो तो इसी जमीन पर हो जाएगी, फिर जो तरक्की होगी अपने अपने मदारिज अपने अपने मरातिब अपने अपने मकामात अपने अपने ईमान की गहराई अपने अपने आमाल सालेहा अपना अपना इन्फाक माल व जान उसके हवाले से दर्जे होंगे। इंदहा जन्नतुल मावा इस यक्ष सिदरता मा यक्षा, जबकि ढांपे हुए था उस बेरी को जो ढांपे हुए था, तुम्हें क्या बताएं क्या ढांपे हुए था, तुम नहीं समझ सकते। देखिए किस तरीके से इस यक्ष सिदरा, कोई अनवार इलाहिया का कोई ऐसे ऐसा नुजूल है वहां जो जबान से अदा नहीं हो सकता, कोई अल्फाज नहीं है कि जो उनकी ताबीर कर सके, उस पर अनवार इलाहिया का कोई नुजूल है। इस यक्ष सिदरता मा यक्षा, जबकि छाया हुआ था उस बेरी के ऊपर जो छाया हुआ था, जबकि ढांपा हुआ था उस बेरी को जिसने ढांका हुआ था। मा जागल बसर व मा तगा, नबी की आंख उस वक्त न कज हुई न हद से बढ़ी। ये दो इंतहाएं होती हैं, एक तो ये कि आप किसी इंटेंस लाइट को फेस ना कर सके तो निगाह हटाएंगे आप या झपक लेंगे, फेस नहीं कर सकते अगर आप में हिम्मत नहीं इस्तेदाद नहीं। नबी का ज़र्फ इतना था कि उन अनवार इलाहिया का बराह रास्त मुशाहदा किया है और निगाह आपको इधर उधर करने की जरूरत पेश नहीं आई। लेकिन तगा एक हद अदब भी होता है जिससे आगे इंसान को नहीं जाना चाहिए, निगाह जो है उसने बेअदबी की रविश भी इख्तियार न की। अल्लामा इकबाल ने वाक्य यह कि इस आयत को मैंने समझा अल्लामा इकबाल के एक शेर से, और अक्सर और बेशतर लोग सुनी है उनकी शायरी ना, बहुत अमेजिंग। ज़ौक व शौक के नाम से जो उनकी नज़म है बाले जिब्रील में, वो मेरे नज़दीक उनके शायराना जो उनकी इस्तेदाद है उसमें बुलंद तरीन नज़म है वो। जहाँ तक पैगाम उनका जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए, उसके लिए इबलीस की मजलिस शूरा वो क्लाइमैक्स है, और वह भी उनके आखिरी ज़माने की नज़म है, सन 36 में उन्होंने कही है, उसके बाद तो बीमारी इतने रहे हैं बहुत कम अशार कहे। लेकिन इसमें ज़ौक व शौक में एक शेर है, ऐने विसाल में मुझे हौसले नजर न था, ऐने विसाल में मुझे हौसले नजर न था, गरचे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब। मेरी निगाह बेअदब बहाना तलाश करती रही कि मैं मुशाहदा बराह रास्त करूं, हालांकि ऐन विसाल है उस वक्त, लेकिन यह कि मेरे अंदर हौसला न था कि मैं हुस्न का बराह रास्त मुशाहदा कर सकूं। ऐने विसाल में मुझे हौसले नजर न था,
गरचे बहाना जू रही मेरी निगाहे बेअदब। यहां इन दोनों चीजों के बरक्स बात है जो इकबाल अपने बारे में कह रहा है, मैं तो बेअदब भी हूं और मैं तो चाहता था किसी तरीके से हद अदब से तजावुज करके देखूं, लेकिन मेरे अंदर तो हौसला नहीं था। मोहम्मद में वो हौसला था, देखा है, बराह रास्त देखा है, निगाह जमा कर देखा है, लेकिन एक हद से तजावुज नहीं किया, हद अदब के अंदर रहे। मा ज़ागल बसर व मा तगा लकद रा मिन आयात रब्बिल कुबरा, देखा उन्होंने अपने रब की अजीम तरीन आयात को। अब वहां जाकर जो मुशाहदा हुआ है वो तो अल्लाह की अजीम तरीन आयात का है, और इसी से दर हकीकत दलील है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो कौल है, शबे मेराज में भी हुजूर ने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह की अजीम तरीन आयात को देखा जो तजल्ली थी उस वक्त अल्लाह की। हजरत आयशा सिद्दीका का कहना तो यह कि नूरुन अन्ना युरा, वो नूर है, देखे कैसे जा सकता है। बहरहाल वहां भी कुरान जो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह को देखा नहीं, जैसे कि वो जो शबे मेराज में पहला सफर का हिस्सा था जमीनी, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, वहां पर भी अल्लाह ने अपनी आयात का मुशाहदा कराया, लेकिन वो जमीनी आयात है अल्लाह की, वो बरकात जो है जमीनी है। ये तजल्ली जो हो रही है ये हो रही है उस सिद्रतुल मुंतहा पर, आखिरी हद है, मखलूक की आखिरी हद है, इससे आगे कहिए हरम है, हरीम जात है अल्लाह की, जिसमें किसी गैर का कोई दखल मुमकिन नहीं। उस हद पर जाकर जो वहां तजल्लियात बारी ताला थी उनका मुशाहदा किया है। लकद रहा मिन आयात रब्बिल कुबरा। सो गाइस, ये थी वीडियो कि प्रोफेट मोहम्मद ने मिराज के सफर पे वहां पे खुदा को देखा था या नहीं देखा था, तो इसका आंसर इन्होंने दे दिया। हमारे दिमाग में भी यही चीज़ थी काफ़ी टाइम से ना कि देखा होगा वहाँ पे, तो इन्होंने इसका आंसर दे दिया डायरेक्ट डायरेक्ट कि उन्होंने वहाँ पे जाके खुदा को नहीं देखा। भाई साहब, वहाँ पे जाके उन्होंने खुदा की चीज़ें देखी, जो जन्नत वगैरह, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जन्नत जहन्नम, जो जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, तो उन्होंने फिर वो आके यहाँ पे एक्सप्लेन करी बुक्स के जरिए, वो चीज़ें कुरान के जरिए, वो उन्होंने ये चीज़ बताई कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तभी आपको छवियाँ देखी थी उनके ना, कुछ जैसे दरवाजे देखे, जन्नत के या किसी चीज़ के ना, वो देखा उन्होंने, लेकिन कैसे जहन्नुम में जलती हुई आग में कैसे जलाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी। तो बस ये ऐसा कोई वो नहीं जिन्होंने देखा अभी तक, ना देखा, एक को आए थे सामने हजरत मूसा को, लेकिन आप सभी को पता है फिर वो कोहे तूर पहाड़ पूरा ब्लैक हो गया, इतनी रोशनी आएगी सारा पहाड़, तो कोई किस्मत वाला ही देख पाएगा उन्हें ना। मे भी अच्छी इस बात का हमने ये भी पता लगा कि हम भी मरने के बाद देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये बात भी हमें है ना अभी तक पता नहीं लगी। तो बाकी पता नहीं यार क्या होता है क्या नहीं होता है, बस ये कि हम अपने आप से अच्छे तरीके से अपने अच्छे अमाल रखें, अच्छे काम करें, तो सो दैट हमें उनको देखने, भाई जिसको मिल गए तो उसको तो सब कुछ ही मिल गया ना, उसको किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रही। जैसे अभी हम यहाँ पे होंगे, जा रहे होंगे कहीं, या हमें धरती पे मिल गए ना, हम तो बोलेंगे हमें कुछ चाहिए नहीं भाई, हम तो फिर ऑब्वियस बात है कि सब कुछ अच्छा ही करने लग पड़ेंगे और बस वेट करते रहेंगे कब हम मरे कब हम मरे कब हम उनके पास जाएँ ना। सो बाकी तो यही था वीडियो में, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, रिएक्शन पसंद आया होगा और नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।